तरीके को अप्लाई करके मैंने 2-4 और 5 व्यूज नहीं इंक्रीज किया है, मैंने इसी तरीके को अप्लाई करके आपके आंखों के सामने प्रूफ दिखाता हूँ 13,000 से ज्यादा व्यूज इंक्रीज किया। दोस्तों पता आप लोग गलती कहां पर करते हो, जिस वजह से आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आता। आप लोग करते हो क्या, जैसे आप वीडियो को अपलोड करते हो वीडियो को पब्लिक कर देते हो, पब्लिक करने के बाद आप लोग जाते हो YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपली आप लोग क्या चेक करते हो कि यहाँ पर जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो वैसे आपकी वीडियो का परफॉर्मेंस कैसे दिखता है, आपकी वीडियो पर पूरी तरीके से व्यूज डाउन होता है, पूरा जो एरो होता है वो डाउन चला जाता है और आप लोग इस पर क्लिक करते हो। अब आपको देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर पूरा व्यूज डाउन है, इसका पूरा ग्राफ डाउन है। रीच पर आप लोग जाते हो, रीच पर आपको देखने को मिलता है कि इस पर जो इंप्रेशन है वो बहुत कम गया है, पूरा इंप्रेशन डाउन है। और यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये पूरा आ जाता है अंडरस्टैंडिंग योर परफॉर्मेंस, फेवर व्यूज फ्रॉम यूट्यूब रिकमेंडेशन, लोअर क्लिक थ्रू रेट फ्रॉम रेगुलर चैनल व्यूअर्स। और यहाँ पर आपके चैनल पर जो व्यूज आता है वो पूरा का पूरा हर जगह से डाउन रहता है। मींस आप लोग यहाँ पर आने के बाद बार बार अपनी वीडियो को रिफ्रेश करते हो, चेक करते हो कि अब व्यूज बढ़ा, अब व्यूज बढ़ा, और जब आखिरी में व्यूज नहीं पड़ता है तो आप उस वीडियो को छोड़ देते हो और दूसरी वीडियो वायरल करने के लिए अच्छी अच्छी ट्रिक नई नई तरीके को ढूंढते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप अगर अभी चाहो इसी वक्त तो इस वीडियो को वायरल करा सकते हो, मतलब आप जिस वीडियो को अपलोड कर चुके हो, जिस वीडियो पर व्यूज पूरी तरीके से डाउन है, अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपको तरीका पता है, वो ट्रिक पता है, तो आप उस तरीके से आप अपनी वीडियो को फिर से वायरल करा सकते हो। आप बोलोगे मजाक कर रहे हो, बेफेक है, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग अपनी अपलोड की गई हुई वीडियो को वायरल करा सकते हो। अब ये तो मैंने कल परसों वीडियो डाला था जिसपे पूरा व्यूज डाउन है, इसपे पूरा इंप्रेशन डाउन है, पूरा व्यूज डाउन है, जैसे आपकी वीडियो पर डाउन रहता है। लेकिन अब हमें किस तरीके से इस वीडियो पर फिर से व्यूज लाना है वो तरीका आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। और प्रूफ के तौर पर मैं आपको 1-2 वीडियो दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चले कि सच में ये तरीका वर्क करेगा, काम करेगा। और यकीनन मानो दोस्तों, अगर आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आता है तो इस तरीके को अप्लाई कर आप अपनी वीडियोस पर व्यूज भी इंक्रीज कर सकते हो। आपका छोटा भाई कभी आपको फेक चीज और हवा हवाई वाली बातें नहीं करता, जो मैं अपने चैनल पर खुद अप्लाई करके अपनी वीडियोस पर व्यूज लाता हूं वही सारे तरीके मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर चलिए दिखाता हूं, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक मैंने 8 महीने पहले वीडियो अपलोड किया था। अब इस वीडियो का देखिए व्यूज पूरी तरीके से अप है, 13,000 से ज्यादा व्यूज आ गया। लेकिन जब मैंने इसको अपलोड किया था तो जिस तरीके से आपकी वीडियो पूरी डाउन रहती है, जो मैंने आपको आगे पहले दिखाया, सेम पोजिशन था इस वीडियो का, लेकिन फिर मैंने कौन सा तरीका अप्लाई किया, वो ट्रिक सिंपली लगाया जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से अप होता चला गया, पहले देखिए इसका डाउन था, फिर लेकिन अप होता चला गया 2-4-6 दिन के बाद, कैसे, जब मैंने उस ट्रिक को, उस तरीके को अप्लाई किया। नहीं तो पहले इस वीडियो पर व्यूज पूरा डाउन था, पूरा इंप्रेशन डाउन था, इंप्रेशन जा ही नहीं रहा था, लेकिन इसके बाद इस वीडियो पर इंप्रेशन भी गया और इस वीडियो पर व्यूज आया। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। और अगर आप लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, तो सही तरीका आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको अपनी रुकी हुई वीडियो या फिर जो वीडियो आप अपलोड कर चुके हो उसको किस तरीके से वायरल करना है। सारी चीजों को ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस तरीके से यूट्यूब पर आप यूट्यूब की सच्चाई कोई नहीं बताएगा, अलग अलग ट्रिक अलग अलग तरीके लोग आपको बता देंगे, लेकिन एक्चुअली में लोग अपनी वीडियो पर कौन सा तरीका, कौन सा ट्रिक लगाकर वीडियो को वायरल करते हैं वो सच्चाई आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताता। तो आपको ध्यान से सीखना है किस तरीके से आपको अपनी जो वीडियो अपलोड है, जिस वीडियो पर व्यूज नहीं है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, और उस वीडियो को फिर से किस तरीके से बूस्ट करना है। अब जैसे इस वीडियो को एक दिन पहले अपलोड किया हूँ, 1100 व्यूज है, व्यूज नहीं आ रहा है। हालांकि इस वीडियो पर व्यूज आना चाहिए क्योंकि हमने अच्छे से वीडियो बनाया, अच्छे से टाइटल किया, डिस्क्रिप्शन लगाया, सारा प्रॉपर किया जैसे आप लोग करते हो, लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आया। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या रिफ्रेश कर करके क्या छोड़ देंगे और फिर से दोबारा वीडियो डालेंगे? ऐसे में कब, कौन सा गारंटी कि कब हमारे चैनल पर वीडियो वायरल हो, कौन से वीडियो निकले? फिर तो हम काम बस करते जाए कोई फायदा ही नहीं है। तो हमें वो तरीका लगाना पड़ेगा जिस तरीके से इस वीडियो पर भी व्यूज आएगा। कैसे, ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप मत करना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए इसका पूरा व्यूज डाउन है, जबकि इस वीडियो पर जो एवरेज ड्यूरेशन होता है, यानी जो लोग हैं वो इस वीडियो पर रुक रहे हैं, लोग इस वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। देखिए इसका एरो अप है, लेकिन इस पर व्यूज क्यों डाउन है, क्योंकि लोग इस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। अब इसके आगे तरीका मैं बताऊंगा, सबसे पहले को पॉइंट समझिए, 2-3 पॉइंट बताऊंगा जिनमें अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो कोई पॉइंट काम नहीं करेगा, आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस वजह से ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहले आपको इसके परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है, परफॉर्मेंस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाना इसके रीच वाले सेक्शन पे। अब रीच पर जैसे आओगे यहाँ पर सारी डिटेल्स इस वीडियो को मिल जाएगी, कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, सारी डिटेल आपको देख लेना है। अब देखने के बाद यहाँ पर मिलता है ये यूट्यूब सर्च टर्म्स, अब इसका भी हमें कुछ इस्तेमाल करना है जिससे हमारी उस रुकी हुई वीडियो पर व्यूज आएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बेहतरीन पॉइंट बताऊंगा जो कि थोड़ा सा आगे। अब इसमें देखिए आपको काफी सारा कीवर्ड देखने को मिल जाता है, लेकिन जो टॉप के 3-4 कीवर्ड है, जैसे ये टॉप के 3 कीवर्ड है, ये आपके वीडियोस पर पड़े होने चाहिए। अगर आप नहीं डाले हैं
तो तुरंत जाओ और अपने टैग पर और डिस्क्रिप्शन पर ये कीवर्ड डालो। करना क्या है, देखिए सबसे पहले मेरे चैनल का नाम है, फिर से टैग बॉय है, ठीक है, तो ये दोनों कीवर्ड तो मेरे टैग में पड़े होंगे, ये पहले वाला तो जरूर पड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपके में नहीं पड़े हैं तो सबसे पहले ये दोनों कीवर्ड डालिए, और ये तीसरा कीवर्ड है इसको भी डालिए। जैसे मेरा तीसरा है हाउ ग्रो यूट्यूब चैनल, तो ये मेरी वीडियो पर नहीं पड़ा है टैग में, तो यहाँ पर बैक जाएंगे और इसके पेंसिल पर क्लिक करेंगे। अब पेंसिल पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे टैग वाले सेक्शन में, और यहाँ से कोई एक कीवर्ड को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे टैग को, क्योंकि ये टैग वैसे भी रैंक नहीं कर रहे हैं, वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा, तो हम एक टैग को किसी भी टैग को हटा देंगे। जैसे यहाँ पर मैं किसी भी टैग को यूट्यूब व्यूज कैसे बढ़ा इसको हटा देते हैं, और वहां पर जो कीवर्ड था जो था हाउ ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ ग्रो ऐसे ऐसे ही था हाउ ग्रो YouTube चैनल, तो आपको अपने हिसाब से लिख लेना है जो भी आपके कीवर्ड में आए, मेरे को याद नहीं हाउ ग्रो यूट्यूब चैनल था शायद से, ठीक है। अब इसको डाल देना और बैक आ जाना है, और यही आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और कीवर्ड में डाल देना है, ठीक है। आप समझ गए प्रॉपर तरीके से पहला काम, और ये पहला पॉइंट ध्यान से समझना, बार बार नहीं बताऊंगा। अब आपको सिंपली इसको कर देना है सेव। अब सेव करने के बाद अब इस पे व्यूज क्यों नहीं आया ये आपको समझना पड़ेगा, वो तो तरीका आपको लगाना ही है जिससे YouTube आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करेगा, इंप्रेशन भेजेगा, वो था पहला तरीका। लेकिन अगर मान लीजिए YouTube तो इंप्रेशन भेजने लगा, YouTube तो आपकी वीडियो को फिर से लोगों के पास भेजा, लेकिन जब लोग उस वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे तो कहां से व्यूज आएगा, और यही सेम दिक्कत था इस वीडियो पर, क्योंकि इस वीडियो पर लोग रुक तो रहे थे, एटलीस्ट जैसे 10 लोग इस वीडियो पर क्लिक किए तो 10 लोग इस वीडियो पर रुक तो रहे हैं, लेकिन जब 100 लोगों के पास YouTube भेज रहा है तो उनमें से बहुत कम पर्सन लोग इस वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं। क्यों, क्या रीजन है? इस वीडियो पर जो मैंने बताया है वो तो सही है, लेकिन लोग अंदर नहीं आ रहे, देखना नहीं चाह रहे, और आने के बाद तो देख रहे हैं कि उनको पसंद आ रहा है, तो उसका मेनली रीजन है थंबनेल। क्योंकि जब ये जो आपका वीडियो जब ये किसी के पास जाता है तो वहां पर आपका डायरेक्टली वीडियो नहीं चालू हो जाता है कि इस वीडियो पर क्या है, आपका थंबनेल जाता है, तो जब थंबनेल देखकर लोग नहीं क्लिक करेंगे तो ये जो CTR रहता है डाउन ही रहता है। अब देखिए इसका पूरा डाउन है, तो अब जब CTR डाउन तो लोग क्लिक नहीं करेंगे, जब क्लिक नहीं करेंगे तो व्यूज कैसे आएगा, तो हमें इसके थंबनेल पर काम करना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर छोटी लग रही होगी, भाई थंबनेल चेंज कर देने से कहां से व्यूज आएगा, और मैं आपको इसका जीता जागता प्रूफ दिखाता हूं, जो कि मैंने जस्ट आपको पहले दिखाया कि इसी तरीके को अप्लाई करके मैंने 2, 4 और 500 व्यूज नहीं इंक्रीज किया है, मैंने इसी तरीके को अप्लाई करके आपके आंखों के सामने प्रूफ दिखाता हूं 13,000 से ज्यादा व्यूज इंक्रीज किया है। अब इस वीडियो पर 13,000 व्यूज आ गया जो मैंने आपको पहले दिखाया। इस वीडियो को मैंने क्यों, आप देखे होंगे कि सेम इसी तरीके का वीडियो, देखिए एक ये वीडियो है और सेम इसी तरीके का वीडियो एक और है जिसपे 15,000 व्यूज है। अब ये दोनों थंबनेल, दोनों टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेम क्यों है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी, काफी दिन पहले, और इस वीडियो पर CTR काफी अच्छा था, व्यूज काफी अच्छा आ रहा था, इसका थंबनेल लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। फिर मैंने इसी से रिलेटेड एक और वीडियो बनाया जो कि था ये वाला जिसपे 13,000 अभी के टाइम पे व्यूज है, लेकिन इस वीडियो पर लोग क्लिक नहीं कर रहे थे, व्यूज आ नहीं रहा था, तो मैंने दिमाग क्या लगाया कि इस वीडियो पर लोग क्यों नहीं क्लिक कर रहे, तो मैंने वही थंबनेल फिर से लगा दिया, थोड़ा नए तरीके से ये सारी चीजें और लिख दिया, क्योंकि उस थंबनेल पर लोग क्लिक कर रहे थे। और भाई साहब जैसे मैंने थंबनेल चेंज किया और वैसे ही लोग इस वीडियो पर क्लिक करने लगे, और भाई देखिए नंबर 1 पे वीडियो चल रही है। तो ये मत सोचे कि थंबनेल चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ आपके थंबनेल पर दम होना चाहिए कि जिस कारण से आप वीडियो पर लोग नहीं क्लिक कर रहे थे वो कारण मिटना चाहिए और आपके थंबनेल को देखकर लोग क्लिक करें। अब अगर इस वीडियो पर फिर मैं उसी तरीके से घिसा पीटा थंबनेल लगा देता तो कहां से CTR इंक्रीज होता, कहां से व्यूज आता, तो आपको वैसा थंबनेल लगाना पड़ेगा। और अगर आप अपनी वीडियो पर जिस वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है, व्यूज रुक गया है, जैसे कि मेरी ये है जिसपे CTR डाउन है, अब इस पर अगर मैं कोई प्रॉपर सही तरीके से क्लिक बेट करके या फिर ऐसा थंबनेल जिस पर लोग क्लिक ही करें वैसा अगर थंबनेल इस वीडियो पर लगाऊंगा तो 100% मेरी वीडियो का CTR बढ़ेगा और इसके बाद इंप्रेशन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और व्यूज भी आएगा। और इस तरीके को अप्लाई करके मैंने 1 नहीं 2-3 वीडियोस पर व्यूज लाए, व्यूज को इंक्रीज किया है। आपके सामने सारे प्रूफ है, सारे मैंने आपकी चीजें आपके सामने रख दी है, तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था। और इस तरीके को अगर आप लोग लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो 100% आपकी इस तरीके की वीडियोस पर व्यूज आएगा। और अगर आप लोग वही गलती करोगे, बस वीडियो पर आओगे, रिफ्रेश करोगे, क्या गलती कर दिया, किस तरीके से काम करें, व्यूज नहीं आ रहा, चैनल ग्रो नहीं कर रहा, कौन सी ट्रिक लगाएं, किस ट्रिक से वीडियो वायरल करें, किस वेबसाइट से व्यूज इंक्रीज करें, तो भाई तुम्हारा यूट्यूब पर कुछ नहीं होने वाला, साफ सुथरी बात। अगर आपको यूट्यूब पर ग्रो करना है तो यूट्यूब पर ग्रो करने के तरीके ढूंढो यूट्यूब पर। अगर आप अदर तरीके से काम करने को सोच रहे हो, अदर तरीके से व्यूज लाने को सोच रहे हो, तो भाई YouTube कोई खिलवाड़ नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली जाकर पूछ सकता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो प्लीज अपना छोटा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, और हाँ इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो जरूर से कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जनरल वंदे मातरम।